أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ख्वाजा अज खून रगे मजदूर साजद लाल नाब अस जफाए देह खुदाया किश्ते देह काना खराब इनकलाब इनकलाब। ये इकबाल कहता हुआ मर गया। सरमायादार ने मजदूर के रगों से सुर्ख खून कशीद करके शराब बनाई है जिसे वो शाम को बैठकर पीता है, और ज़मींदार और जागीरदार वो किसानों की जो मेहनत का और खून पसीने की कमाई उसे ऐश करते। इनकलाब इनकलाब। लेकिन वो 52 बरस हो गए इंकलाब तो नहीं आए, वही नहीं था। गोया कि हमने अल्लाह से एक बदहदी की। उस बदहदी की सजा क्या है? निफाक हम पर मुसल्लत कर दिया गया। सूरह तौबा की 3 आयात मुनाफिकीन की खास किस्म बयान फरमाई। वा मिनहुम मन आहद अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था, लेकिन आताना मिन फजल, नहीं अगर अल्लाह हमें फजल से नवाज देगा गनी कर देगा, लनसद्दकन्न वलनकूनन्न मिन सालिहीन, खूब सदका खैरात करेंगे बिल्कुल नेक हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उन्हें नवाज दिया तो क्या किया? बखेलू में ही फिर उन्होंने बुखल से काम लिया। व तवल्लो, पीठ मोड़ ली, महुम वरदून, एराज किया। नतीजा क्या निकला? फ़ाक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों में निफाक डाल दिया। और निफाक वो बीमारी है, कुरान में कहा गया है इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िल दर्किल असफ़ले मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में। वही जो अशद्दुल अज़ाब यौमुल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दुल अज़ाब, अगर पूरे दीन पर कारबल नहीं होगे तो क़ियामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंके जाओगे। इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िल दर्किल असफ़ले मिनन नार, और मुनाफिकीन के बारे में हमने सूरह तौबा में भी आयत पढ़ ली, सूरह मुनाफिकून में भी पढ़ ली। इनके लिए नबी आप 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो मैं माफ़ नहीं करूंगा। इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन लयग़फ़िर अल्लाह। इस निफाक की 3 शक्लें हैं। निफाक बाहमी, वो एक कौम एक नहीं रही, अब ढूंढ अब उसको चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर, अब वो कौमियतों में तहलील हो गई, असमियतें, एथनिक, लिंग्विस्टिक, प्रोविंशियल, कौम कहाँ है, तहलील। निफाक बाहमी, एक निफाक किरदार, जो हुजूर ने फरमाया कि 3 निशानियां हैं मुनाफिक की, अगर तीनों चीज़ें हों तो वो कट्टर मुनाफिक है, खा नमाज पढ़ता हो, रोज़ा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। बुखारी की और मुस्लिम की रिवायत है, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, और जब कहीं अमीन बना दिया जाए तो खयानत करे। अपने माशरे को देख लीजिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो जितना बड़ा है यहाँ उतना ही बड़ा झूठा, उतना ही बड़ा वादा खिलाफ और उतना ही बड़ा खाइन है। अब तो अरबों के मामले होते हैं, वो खयानत जो है वो कुछ सैकड़ों हज़ारों की अब नहीं है, मिलियन और बिलियन का मामला। इल्ला माशाल्लाह, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने कोई, लेकिन ये कि वो एक्सेप्शन है। और तीसरी सबसे बड़ी मुनाफ़िक़त इस वक्त है हमारे दस्तूर की मुनाफ़िक़त। क़रारदाद मकासिद में अल्लाह की हाकमियत भी है और इसी क़रारदाद मकासिद में गैर इस्लामी चीज़ें भी हैं इसी दस्तूर के अंदर। ये दफ़ा भी मौजूद है, कोई कानून साजी यहाँ किताब सुन्नत के मुनाफी नहीं की जा सकती, लेकिन ऑपरेटिव नहीं है। ऑपरेटिव इस अंदाज में होगी कि आइडियोलॉजी काउंसिल बना रखी है, वो देखती रहेगी और हर साल रिपोर्टें पेश करती रहेगी। रिपोर्टों का क्या हशर होगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन गारंटीड है या नहीं, कुछ जिक्र नहीं। फेडरल सैयद कोर्ट बनाई, 2 हथकड़ियाँ भी पहना दी उसको, 2 बेड़ियाँ भी पहना दी। दस्तूर पाकिस्तान भी तुम्हारे दायरे से खारिज, जो जुडिशल लॉज हैं वो भी तुम्हारे दायरे से खारिज, फैमिली लॉज भी तुम्हारे दायरे से खारिज, और माली कवानीन भी 10 साल के लिए तुम्हारे दायरे से खारिज। इससे बड़ा मकर और फ्रेब और इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता इस्लाम के साथ। अब इसकी सजा जो है वह भुगत रहे,
نمبر تین مذہبی دہشت گردی، کبھی سنی تھی اس نوعیت کی؟ کون کر رہے ہیں؟ چاہے وہ اعلی کار ہو باہر کے، ہیں تو یہاں کے، باہر والا آدمی بھی آ کے نہیں کر رہا ہے، ہیں تو یہاں کے، اعلی کار بن گئے ہوں گے، وہ رو کے ہوں، وہ مساد کے ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کور کیسے مل جائے انہیں؟ اس کے لیے آپ نوٹ کیجئے سورہ انعام کی آیت نمبر 65، اللہ نے اپنے تین قسم کے عذاب گنوائے جن میں بدترین عذاب یہ ہے. هو القادر، کہہ دیجئے اے نبی، اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، زلزلہ آ جائے، او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو. یہ تھرڈ ٹائپ آف پنشمنٹ، ڈیوائن پنشمنٹ، جس کا ہم اس وقت شکار ہیں. چوتھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے ملک، ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر دی تھی. دجال جو ہے ایک سال چند مہینے کا معاملہ ہے کہ جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رزق کے خزانوں پر اتنا قبضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا، باقی کسی کو نہیں دے گا. اور اگر رشیا میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی، وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک، خلاؤں میں گیا، وہاں ڈبل روٹی نہیں ملتی تھی. میں بوڑھی عورت کا فوٹو میں نے دیکھا تھا، شدید ترین سردی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی. یہ حال ہوا اس ملک کا. ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی، لقد کان لسبا فی مسکنہم آیا، سبا قوم سبا بھی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے ایک نشانی رکھی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو جنتیں دی تھی ہم نے. پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. کتنی خوشحالی تھی پاکستان بننے کے بعد. ہندوستان جیسی کوشش داخل ہوتا تھا پاکستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی یافتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانی سو ملک میں داخل ہو گئے، اور وہاں سے جو آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم کسی ویسٹرن ملک میں آ گئے. کتنی خوشحالی تھی. قلوا من رزق ربکم بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا، جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے، ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بس کو ان کے لیے دونوں دو جنگل پیدا باقی رہ گئے، جن میں کوئی پیلو، کوئی اور ڈیلے، کوئی کسیلی سے کچھ چیزیں پیدا ہو گئی، زیادہ سے زیادہ بیر. اللہ اللہ خیر صلاح. ذالک جزائناہم بما کفروا، جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا، وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا بدلہ ہم دیتے انہی کو ہیں جو انتہائی ناشکر ہیں. بہرحال چونکہ اسی ملک کو جو قوم سبا تھی، اس کے بارے میں آخری جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، فجعلناہم احادیثا ومزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی، اس کی بڑی عظمت تھی، اس کا بڑا تنتنا تھا اور دبدبا تھا، اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا. اس صدی میں دو عظیم مملکتیں، عظیم سلطنتیں نسیہ منسیہ ہو گئیں. دی گریٹ اٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد وینشڈ فرام دی میپ آف دا ورلڈ. دی گریٹ یو ایس ایس آر، اب کبھی طالب علم ڈھونڈا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی یو ایس ایس آر. زمین رہتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، آئیڈینٹی بدل جاتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے. ایک چند پہلوؤں سے اور دیکھ لیجئے، یہ ادر سائڈ آف دی پکچر ہے. 400 سال کی تجدیدی مساعی ہمارے پشت پر ہے. 1000 سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے. ندرفسانی شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کے مجدد اعظم
शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन और अजीम और शख्सियात अल्लामा इकबाल, मौलाना मौदूदी, मौलाना इंजास, ऐसी शख्सियात पूरी दुनिया में इनके बराबर की शख्सियात नहीं। ये सारा हमारे पीछे है, ये क्या है, ये बार है हम पर, माजी का एक कर्ज है हमारे कंधों के ऊपर, एक जिम्मेदारी है असलाफ की तरफ से। फिर फिक्री और रूहानी एतबार से नोट कीजिए, डॉक्टर शरीयती ईरान के और मालिक बिन नबी अलजज़ायर के खुलकर लिख चुके अपनी किताबों में कि इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ इस्लाम हैज शिफ्टेड टू साउथ एशिया। इकबाल जैसा मुफक्किर जो पैदा हुआ, आप अंदाजा कीजिए, एक जमाने में कभी बगदाद होता था इल्म का मरकज, फिर स्पेन हुआ है इल्म का मरकज, फिर शिमाली अफ्रीका बना है जहां इब्ने खलदून जैसी शख्सियत उभरी हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अब जो इस्लाम का रूहानी और इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस उम्मा हैज शिफ्टेड टू द साउथ एशिया। तीसरी बात यह कि भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए गोया कि एक तरह से अपना फर्ज किफाया अदा किया था, उन्हें मालूम था कि यहां तो पाकिस्तान नहीं बनेगा, उन्होंने किस लिए हिस्सा लिया कि वो इस्लाम का बोलबाला करने के लिए या कम से कम उम्मत का अक्सर हिस्सा 2/3 तो बच जाए उस सारे दबाव से कि जो आ रहा था। तो इस हवाले से उनका भी तो जिम्मेदारी का बोझ फिर हमारे कंधों पर है। वो जो झेल रहे हैं आज, माशी तौर पर वो पस्त हैं, मुलाजमतें उन्हें नहीं मिलती हैं, तालीम गाहों में उनको दाखिले नहीं मिलते हैं, उनकी जबान ख़त्म कर दी गई है, अब हिंदी जबान में जाहिर बात है कि अब तो फिर भी वो एक नस्ल, लेकिन दो नस्लें तो बीत गई कि जो उस तालीम की उस जबान की वजह से वो पीछे रह गई। ये सब कुछ हुआ, क्यों झेला उन्होंने, ये जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले, तो जो कुछ बीत रही है उन पर, जबकि उन्हें गांव ये सुनने पड़ते थे नारे, मुसलमान के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, निकलो यहां से, तुम यहां हो क्यों यहां पर। अब तीसरा एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ पेशेन गोइयां हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन पेशेन गोइयों में इस खित्ते का भी एक रोल है। मैं तफसील में नहीं जा सकता, पेशेन गोई एक ये है जो कुरान उससे भी साबित है, 3 मरतबा फरमाया कि रसूल को हमने भेजा है दीन के गलबे के लिए, और 5 दफा फरमाया कि भेजा है तमाम इंसानों के लिए। तो रसूलों का मकसद, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेसद का मकसद पूरा हो ही नहीं सकता जब तक कि पूरे आलम इस्लामी पर दीन जो है कायम ना हो जाए। बकौल इकबाल के, वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इमाम अभी बाकी है, लेकिन हुजूर ने खबर दी होगा दुनिया के खात्मे से पहले कुल रूए अर्जी पर निज़ाम खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगा, और उसके कायम होने में खुरासान का इलाका और अरब के मशरिक के ममालिक जो है वो रोल प्ले करेंगे। जाहिर बात है कि इस इलाके में आकर, अफगानिस्तान खुरासान है और खुरासान का एक हिस्सा पाकिस्तान का भी के अंदर भी शामिल है, यहां से फौजें जाएंगी और ये जो यरूशलम हमारे हाथ से निकला उसे बाजियात जो है ये करेंगी। अरबों में तो दम नहीं है, पहले भी अरबों से छीना था क्रूसेडर्स ने, 1099 ईस्वी में छीना है यरूशलम और लाखों मुसलमानों को कत्ल किया है क्रूसेडर्स ने, और उसके बाद 88 बरस तक वो उनके कब्जे में रहा, अरब वापस नहीं ले सके। कौन लेने वाला था, कुर्द खून, सलाहुद्दीन अय्यूबी, अब फिर अरबों से छीना है उन्होंने, कौम बोधी हो चुकी है, उनमें दम नहीं है, अय्याशियों ने और दौलत ने उनको खाली कर दिया, खोखला कर दिया, अब भी कोई लेंगे तो फरमाया कि खुरासान की तरफ से झंडे आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा जब तक कि यहां ना पहुंच जाए और यहां एलिया में जाकर, यरूशलेम में जाकर नस्ल ना हो जाए। इसमें भी एक रोल है पाकिस्तान का, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मैंने 3 एस्पेक्ट से तो आपको जो मावराए जमानों मकान फराइज हैं एक मुसलमान के, अल्लाह के हुकूक के हवाले से, रसूल के कर्ज के हवाले से, इंसानों के हकूक के हवाले से बयान किए, और 3 ही एतबार से पाकिस्तान का जो स्पेशल रोल है, एक तो ये कि जो हमारी जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान है उसकी बुनियाद क्या थी, कुरान में उसका भी जिक्र है,
आज जिस सूरत से हम दो चार हैं, मुनाफिकत के तीन एस्पेक्ट्स कुरान में उसका भी जिक्र है। जो माशी हमारे यहाँ बदहाली आ चुकी है कुरान का, उसका भी जिक्र है, जो सूरह सबा भी हमने देख लिया। और जो अंदेशे हैं, मज़्ज़क ना हम कुल्ला मुमज़्ज़क जाल ना हम अहादीस, जो बस कहानियाँ रह जाएंगी, कभी एक मुल्क बना था, कायम था, इसका ऐन इम्कान मौजूद है। बल्कि बैनुल अक्वामी इदारे तो उसको कहते हैं कि होगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा। पिछले दिनों वो रिपोर्ट शाये हुई थी अमेरिका की फॉरन ऑफिस की रिपोर्ट कि इतने सालों के बाद पाकिस्तान नाम से कोई मुल्क दुनिया में नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ जरा पॉजिटिव साइड दिखाऊँ, हमारे पास कुछ एसेट्स भी हैं या नहीं। पहली बात यह है कि चाहे कितना ही मुतजलजल है, कुछ है, पाकिस्तान के दस्तूर में इस्लाम जितना आ गया है, अगरचे उसकी तकमील जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन उतने हिस्से को भी निकाल देना किसी के माई के लाल के लिए मुमकिन नहीं है। करारदाद मकासद आई, अल्लाह की हाकमियत का इकरार है, गोया के निज़ाम खिलाफत उसूलन दस्तूरी तौर पर पाकिस्तान में नाफिज हो चुका है। ऐसे जैसे मैं मुसलमान हूं, चाहे मैं अमल नहीं कर रहा इस्लाम पर, मुसलमान हूं। हमारा हर शख्स मुसलमान है चाहे वो अमल नहीं कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान मुसलमान मुल्क बन गया है जब उसने कहा सॉवरेंटी बिलोंग्स टू हिम एंड नॉट टू अस। हाकमियत अल्लाह की है और हमारे हाथ में जो इख्तियारात हैं वो एक सेक्रेट ट्रस्ट है, और ये सेक्रेट ट्रस्ट इस्तेमाल होगा उसी हाकिम मुतलक की दी हुई आयद करदा हुदूद के अंदर अंदर। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरी जबान में यह ला इलाहा इल्लल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लाउल मुल्क। फिर यह कि एक बहुत बड़ा एसेट यह है, बहुत सी तहरीकों, बहुत से मुसन्निफीन, अल्लामा इकबाल, मौलाना मौदूदी और भी बहुत से मुसन्निफीन की मसाइल से हिंदू पाकिस्तान में जवान, अधेड़ और बूढ़े उम्र के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, जो दो चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं। नंबर एक, उन्हें यह मालूम हो चुका है कि हमारा दीन इस्लाम दीन है, मज़हब नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का दीन है, मालूम है। वो दौर गुजर गया जबकि समझा जाता था कि बस नमाज रोज़ा दीन है, कुछ लोग अब भी हैं लेकिन ये मालूम है सबको कि ये कुल ज़िंदगी का दीन है, इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, पूरी ज़िंदगी में अल्लाह की बंदगी है। वो तसव्वुर दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत है, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, कोई दीन दुनिया में जिस दम जुदाई, हविस की अमीरी, हविस की वजीरी, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये इकबाल का पैगाम था, वादत है दीन दुनिया, दुनिया को ताबे करना है दीन के। और यह कि बहुत से लोगों के दिलों में उसकी उमंग भी है, ख्वाहिश भी है, जज्बा भी है। अफसोस सिर्फ ये है कि एक तो बटे हुए हैं बहुत अपनी सियासी मसलहतों में, इसको पीछे रखकर अपनी पार्टी, अपनी शख्सियत, इसको उभारने की फिक्र है। एक गलत मबहस बहुत था कि कैसे दीन यहाँ लाएं, गलती से ये समझा कि इलेक्शन में हिस्सा लो, वोट मिल जाएंगे तो इस्लाम नाफिज कर देंगे। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि अब बहुत हद तक कमी हो गई है, तमाम मजहबी जमातें ये समझ चुकी हैं इलेक्शन के जरिए से यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इस्लाम नहीं आ सकता। तीसरे ये कि एक अजीम कुरानी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर कायम हुई और चली है। कभी सुना था, अपने बड़ों से पूछ लीजिए, कभी छः छः घंटे भी नमाज तरावी के लिए लोग किसी मस्जिद में रहे? पूरा कुरान का तर्जुमा, दरसे कुरान की महफिलें, पांच पांच सौ, सात सात सौ आदमी जमा, जबकि कोई सियासी नारा नहीं, कोई इख्तलाफी बात नहीं। जो लोग रहे यहां पर 25 दिन, जिन्होंने मुझे सुना है, कहीं कोई इख्तलाफी फिरके वाराना कोई बात? कुरान एज सच, कुरान समझो। ये तहरीक जो हिंदुस्तान में शुरू हुई थी शाह वलीउल्लाह देहलवी से, अल्फाजुल कबीर उन्होंने लिखी, कुरान का तर्जुमा फारसी में किया, उनके दो बेटों ने उर्दू में, उससे पहले तर्जुमा करना गुनाह समझते थे लोग। आज भी बाद लोग हैं जो तर्जुमा पढ़ने को गुनाह समझते हैं, बस कुरान पढ़ो और सवाब हासिल कर लो। है बड़ी, बहुत बड़ी जमात भी है जो ये कहती है। मसला पूछना तो आलिम दीन से पूछ लो, तुम खां का तर्जुमा क्यों पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में शकों को शुबात पैदा हो जाएंगे, बस पढ़ो और पढ़ के सवाब लो। ये शाह वलीउल्लाह ने जब फारसी में तर्जुमा किया, उन्हें कत्ल करने की साजिश हो चुकी थी, इसने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा गुनाह किया, बुला लिए गए थे सरहद के इलाके से पठान कत्ल करने के लिए। और मस्जिद जो फतेहपुर की है दिल्ली की, जो चांदनी चौक के एक सिरे पर है, वहाँ दरस हदीस देते थे असर के बाद,
और उसके बाद वो निकल रहे थे मस्जिद में, बाहर वो खड़े हुए थे कत्ल करने के लिए, लेकिन कुछ अल्लाह ने ऐसी हैबत डाल दी उस वक्त उनके दिल पर, कोई ऐसी उनकी शख्सियत का असर पड़ा, वो हमला नहीं कर सके। बहरहाल ये तहरीक शुरू की उन्होंने, कुरान को एक ओपन किताब बनाया, खुली किताब, पढ़ो इसको, समझो इसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका, अगर ये मुल्क ना बनता तो शायद ये तहरीक ऐसी आपको यहाँ नजर ना आ सकती। मौके मिले हैं हमें, अल्लाह ने हमें सहूलतें दी हैं। आपको मालूम है कितने महीने तक हर हफ्ते अलहुदा का प्रोग्राम जो है पूरे पूरे मुल्क में, जो यूं समझिए कि नेशनल हुक्म पर एक ही वक्त में, और वो टेलीकास्ट हुआ। गलगला एक पैदा हो गया था कि नहीं इस्लाम की, कुरान मजीद का। अगरचे ये कि बर वक्त जो है इस मुल्क के अंदर जो मगरबियत के प्रस्तार है, जल्दी उन्हें होश आ गया कि ये तो तूफान जो है हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, तो उसके लिए जो भी किया वो आपको मालूम है। मुझे इससे कोई गरज नहीं, वीडियोज है, ऑडियोज है, मेरी दावत फैल रही है दुनिया में, जहां चले जाइए आप, जहां उर्दू पढ़ने वाले। और अब तो मैंने 3-4 साल से अंग्रेजी की टांग तोड़नी शुरू कर दी है, अमेरिका जाता हूं तो अंग्रेजी का, इसलिए कि पहले मैं यहां तो घबराता हूं अंग्रेजी में तकरीर करते हुए, यहां के लोग बड़े हसास होते हैं कि जरा ये लफ्ज इन्होंने ठीक नहीं बोला, अब वो मुस्कुराएंगे, उनके अपने अपने एक्सेंट हैं, अपने अपना है, वो क्या बोल रहे होते हैं, और उनकी तवज्जो होती है सुनने के लिए, ये कह क्या रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो मैं जाता हूं तो 1.5 महीने में एक दफा, पिछली मर्तबा मेरी एक तकरीर उर्दू में हुई एक जगह पर, बाकी सब अंग्रेजी में, पूरा ये मैसेज अंग्रेजी में जा चुका है अरबों को, लोकल वहां के अफ्रो अमेरिकन को, फिर वहां से होकर मुख्तलिफ, वो तो एक नर्स सेंटर है अमेरिका इस वक्त, वहां से जहां जहां वो चीज पहुंच रही है। तो अब इसका कोई नतीजा इंशाल्लाह निकलेगा, और इसका मरकज अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया। ये हमारे वो एसेट्स हैं कि जो हमारे पास हैं, हमें देख लेना चाहिए हमारे पास कुछ है भी कि नहीं। अब आई है बात के अमली इकदाम क्या हो, इस शऊर को उजागर किया जाए कि अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद फर्ज ऐन है, नोबडी इज एग्जम्प्ट। यही मैंने आपके सामने बयान कर दिया, अगर दीन कायम नहीं है तो हमारी इबादत जुजवी है, एक हिस्से में हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, बाकी दूसरी जिंदगी के हमारे पहलू जो है अल्लाह की बगावत पर मुश्तमिल है। ये काम फर्ज ऐन के दर्जे में है, और इसके लिए अकलन और नकलन लाजिम है कि किसी न किसी जमात में आदमी शरीक हो, अकेला तो ये काम नहीं कर सकता। उसके लिए जैसा कि मैंने अर्ज किया था, अकल आम भी कहती है, इनकलाब निजाम बदल देना किसी एक आदमी के बस का रोग है, एक पार्टी चाहिए, हिजबुल्ला चाहिए। हजरत मूसा की कौम ने कोरा जवाब दे दिया था तो मामला वहीं का वहीं रुक गया। हुजूर के साथियों ने एक जमात की शक्ल में अपना, जहां हुजूर का पसीना गिरा वहां अपनी खून की नदियां बहा दी, इस्लाम कायम हो गए। फिर अहादीस देखिए, अलैकुम बिल जमा, ला इस्लाम इल्ला बिल जमा, और सबसे बड़ी हदीस, इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन, अल्लाह ऐ मुसलमानों मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देकर जा रहा हूं, अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, मुझे अल्लाह ने उनका हुक्म दिया है, बिल जमात व समय व तात वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जमात की जिंदगी हो और जमात भी सम और तात वाली, लिसन एंड ओबे, स्ट्रांग डिसिप्लिन, और ये जमात क्या करेगी, हिजरत और जिहाद करेगी। ये हदीस जो है जरा नोट कीजिए किस कदर इसमें एम्फेसिस है, इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देकर जा रहा हूं, अल्लाह ने मुझे उसका हुक्म दिया। फिर इस जमात के खदो खाल हमने पढ़े कुरान मजीद में, हिजबुल्लाह सूरह मायदा में, फइन हिजबुल्लाह हुमुल गालिमून, हिजबुल्लाह के ये औसाफ है, हिजबुल्लाह अल्लाह की पार्टी, सूरह मुजादला में शैतान की पार्टी, हिजबुल शैतान और अल्लाह की पार्टी। उस जमात में हर फर्द को होना चाहिए, अलबत्ता इसके लिए ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी जमात की बात कर रहा हूं, कोई जमात हो जो आपको समझ आपके समझ में आए कि ये ठीक है, ये दीन के लिए सही काम कर रही है, उसमें शामिल हो, ताकि कोई शख्स भी इससे महरूम ना हो। जैसे हुजूर ने फरमाया, बल्लेगु अन्नी वलो आयतन, पहुंचाओ मेरी जानिब से एक ही आयत पहुंचाओ, मेरा कोई उम्मती भी तबलीग कुरान के फरीजे से महरूम ना रह जाए, इसलिए फिर मेरा उम्मती कैसे हुआ, मेरा उम्मती है तो उसे तो कुरान पहुंचाना है, एक आयत पहुंचाओ। बाकी जो लोग अपनी जिंदगियां वक्फ कर दें, उनके लिए क्या कहा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं।
वो अपनी जिंदगी वक्फ कर दे। इस हवाले से किसी भी जमात में जिस पर दिल ठुक जाए, अगरचे उसके चार खसाइस जरूरी हैं जो आपको तलाश करने चाहिए। नंबर एक, डिक्लेयर्ड एम होना चाहिए इकामत दीन, दीन का गलबा, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। कोई जुजवी बात, कोई समाजी इसलाह, ये सारे काम अच्छे होते हैं। कोई खिदमत खल्क का काम बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कि हर शे का अपना एक मकाम है। जमात वो होनी चाहिए जिसका मकसूद हो अल्लाह के दीन का गलबा, इकामत दीन कह लें उसे, गलबा दीन कह लें, निज़ाम खिलाफत का क्याम कह लें, हुकूमत इलाहिया का क्याम कह लें, लेकिन डिक्लेयर्ड एम होना चाहिए। उन इस्तलाहात में से कोई इस्तेमाल कर लीजिए। नंबर दो, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। सम वताअत, आमरुकुम बिखम्सिन अल्लाह अमरनी बिहिन्ना बिल जमात व सम वताअत। हुजूम नहीं, मुनज़्ज़म। एक अमीर से उनका अहद हो इताअत का। नंबर तीन, उसे अपना तरीके कार क्लियरली स्पेल आउट करना चाहिए कि हम किस तरह से काम करना चाहते हैं। ऐसे ही मुबहम से नारे लगाकर और लोगों को सिर्फ वक्ती जोश दिलाकर तो ये नहीं, मालूम होना चाहिए तरीके कार क्या है। और वो तरीके कार उन्हें दिखाना चाहिए कि ये हमने सीरतुल नबी से, इसलिए कि मॉडल वो है हमारे लिए, उससे अखज किया है। इसके लिए मैं आपको हदीसें अगर सुनाऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल सुना दूं पहले, लै यसलुहा आखिरुहा ज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलहा बिही अव्वलुहा। इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह नहीं हो सकेगी मगर ठीक उसी तरीके पर जिसमें पहले हिस्से की इस्लाह हुई थी। वो सीरतुल नबी से देखिए। और चौथी बात यह है कि उसकी क़ियादत को ठोक बजा कर देख लेना चाहिए जितना भी मुमकिन है। बाकी ये कि हम आप किसी के दिल में नहीं उतर सकते, लेकिन देख लेना चाहिए वेदर दे प्रैक्टिस व्हाट दे से, उनके घरेलू निज़ाम कैसा है, उन्होंने अपने घर में दीन नाफिस किया, उनकी माश क्या है, वो है शरीयत के दायरे में। चार चीज़ें तलाश करके, और इस तलाश में भी जो वक्त लगेगा वो जिहाद के अंदर शुमार होगा, बशर्ते कि सीरियसली, ये नहीं कि कैजुअली बस ऐसे ही इसको समझा जाए कि अब ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरा फ़र्ज़ है, हो सकता है मुझे कल मौत आ जाए और मैं बगैर जमात के हूँगा। इकामत दिन की जिद्दोजहद फ़र्ज़ आयन है और उसके लिए नमाज शर्त लाजिम है, जैसे नमाज के लिए उसके लिए जमात शर्त लाजिम है, जैसे कि नमाज के लिए वुदू शर्त लाजिम है। वजू के बगैर नमाज नहीं होती। ये चार शर्तों में इंसान तलाश करे जो भी समझ में आ जाए, जो भी समझ में आ जाए। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, लेकिन ये कि ये मालूम हो हमारे मुल्क की भी बका इसी में है, इसका इस्तेकाम भी इसी में है। ये कश्ती डूबती है तो हम डूबेंगे, ये तैरती है तो हम तैरेंगे। खालिस दुनियावी एतबार से भी सोचने की बात है। और फिर यह कि अल्लाह के साथ वादा खिलाफी की इससे कहीं ज्यादा सज़ा कहीं मिल ना जाए। मशरकी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था कितनी बड़ी सजा मिली थी, 93,000 कैदी मुसलमान कौम का उस हिंदू के पास जिस पर कहीं 800 बरस हुकूमत की, कहीं हजार बरस हुकूमत की, भेड़ों बकरियों की तरह उन्हें ट्रकों में लाद के लेकर गए हैं, जैसे डेरा गाजी खाते बकरियां और भेड़े आती हैं लाहौर में ज़िबा होने के लिए, टाइगर जर्नैल और अपना जो है पिस्तौल पेश कर रहा है, यौतुल जिज़्या तय्यदीन वहुम सागिरून, और इंदिरा गांधी को कहने का मौका मिला वी हैव अवेंज्ड अवर 1000 ईयर्स डिफीट, और हमने दो कौमी नजरिए को बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया है। पाकिस्तान में जिस तरह भारतीय पिक्चरों के वीडियो देखे जाते हैं और जिस तरह वो सुना जाते हैं प्रोग्राम, वो वगैरह कॉलोनाइज तो हम कर चुके हैं। भारत हैज ऑलरेडी कॉलोनाइज पाकिस्तान, कल्चर पर कब्जा उन्होंने कर लिया होगा तो बताया क्या गया आपके पास। ये सोनिया गांधी का बयान था। तो गौर कर लीजिए, एक काम यह कि हर शख्स लगे सोचे ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला है, ये मेरे दीन का फर्ज ऐन है, ये मेरे अल्लाह का हक है, ये मुझ पर मेरे रसूल का हक है, ये मुझ पर पूरी नौ इंसानी का हक है, ये मुझ पर मेरे वतन का हक है, मेरे मुल्क का हक है, मेरी 400 बरस की तारीख का हक है, और जो भी खबरें दी हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे भी मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाना चाहिए कि उसकी उनकी सदाकत को साबित करने के लिए तन मन धन लगा दूँ। अब मैं चंद बातें उस करूंगा जो मैंने कहा कि ये तो है, कोई जमात आप तलाश करें।
और उसके बाद भी इंसान आंखें खुली रखे, कान खुले रखे, गौर करता रहे। है जो सुजु के खूब से है खूब तर कहाँ, आज शुरू तो कर देना किसी में शरीक हो जाए। इसमें यह बात भी अर्ज कर दूं कि मेरे नज़दीक जमात की बुनियाद जो है मसनून और मंसूस और मासूर वो है बैत का निज़ाम। लेकिन अगर बैत का निज़ाम ना भी हो और वो सिर्फ दस्तूरी जमात हो, वो भी मुबाह है, जमात के हक में है, बशर्ते कि उसका डिसिप्लिन मजबूत हो। वो चार आने वाली मेम्बरी वाली जमातें सियासी जमातें होती हैं, वो जमात जिसका डिसिप्लिन हो, जिसका अखलाकी एक मेयार हो। अब मैं जरा चंद बातें आपसे अर्ज कर दूं। 65 से मैंने अपने मिशन का आगाज किया था। पहला मेरा काम था दावत रुजूल कुरान का, जो आज तक चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कोई कदम अगला हटाया हो तो इस काम को छोड़ दिया हो। इस ज़मन में मैं चाहूंगा कि जो हजरात भी जानना चाहें कि इसमें क्या कुछ हुआ है, किस तौर से हुआ है, इसका सुगरा कुबरा क्या है, इसका पस मंजर क्या है, इसका रैशनले क्या है, वो मेरी एक किताब है दावत रुजूल कुरान का मंजर और पस मंजर। ये किताब मुताला करें जिन साहब को भी मेरे काम के इस पहली शिक्ष से कोई दिलचस्पी है। उसके ज़मन में आपने सुन लिया है यहाँ पर भी ख़वातीन के प्रोग्राम भी हो रहे हैं, वन ईयर कोर्स भी शुरू हो रहा है, लाहौर में तो मुसलसल हो रहा है, अमेरिका से आके लोग वहाँ पर शरीक हो रहे हैं और वन ईयर कोर्स कर करके नौजवान जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पर हमारा जो है अब इंशाल्लाह कोई एकेडमी वहाँ पर भी शुरू हो जाएगी, ये हो रहा है अमेरिका के अंदर। दूसरा काम जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, एक मुख्तसर लेकिन मुनज़्ज़म जमात तंजीम बैत की बुनियाद, एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया आपने। मेरा दावा यह है कि बुनियाद किसी जमात की कुरान हदीस सुन्नत सीरत और 1400 बरस की तारीख दुनिया जो हमारी मुसलमानों की है, 1300 बरस तक कम से कम, कोई और बुनियाद इज्तिमाइयत की है ही नहीं सिवाय बैत के। हुजूर ने की बैत, आओ बैत करो मेरे हाथ पर, आओ मरने की बैत करो, या फिर वो बैत जो अकबा सानिया में ली गई थी, बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय व ताअत फिल उसर वल युसर वल मनसत वल मकर। बड़ी तवील हदीस है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा भी। हमने उसी को अखज किया है, इख्तियार किया है तंजीम इस्लामी में शमूलियत के लिए, जो बैत है वहीं से लिए। बहरहाल हमने इस पर एक जमात मुरतब कर दी है, ढांचा बना दिया है, निज़ामुल अमल बना दिया उसका। ये नहीं है कि बैत का मतलब ये कि अब आपको कुछ कहने का हक ही नहीं, लाहौल वाला हुआ हुजूर से लोग इख्तलाफ कर लेते थे। हुजूर ने फरमाया था गज़वाए बदर में कि कैंप यहाँ लगा दो, लगा दिया गया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर अगर तो ये वही से है तो ठीक है सर आँखों पर, अगर आपकी ज़ाती राय तो इजाज़त हो तो हम कुछ अर्ज करें। फरमाया हाँ कहो कि हमारा जो तजर्बा है जंगी तजर्बा उसकी रूह से वहाँ पर कैंप हो तो अच्छा। फरमाया उठाओ उखाड़ो कैंप यहाँ से लगा दो। तो मशवरा शाविर हूँ फिर आप इनसे मशवरा करते रहा कीजिए, कुरान मजीद में हुजूर को हुक्म है, मशवरा भी हो सकता है, इख्तलाफ राय भी हो सकती है, ज़ाती तनकीद भी कीजिए। हमारे यहाँ तंजीम इस्लामी के अंदर सालाना एक इज्तिमा वो होता है जिसमें जो शख्स चाहे आए और मुझ पर ज़ाती तनकीद करे, बाकी शूरा का निज़ाम अपनी जगह पर है जो इलेक्टेड होते हैं लोग। तो एक ये कि इस उसूल पर एक जमात बना देना जो सिर्फ पीरी मुरीदी का धंधा रह गया था, इसीलिए पहले पहले लोग बड़े हंसे ये बैत पर जमात, लेकिन ये कि अब वो जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो एक ओपन इंस्टीट्यूशन है और उसको हमने उसके पूरा निज़ामुल अमल बना दिया है, उसमें इख्तलाफ की गुंजाइश है, उसमें इस तरह मशवरा होगा, इस तरह बात होगी। और इसके लिए 10 किताबचे हैं छोटे छोटे 50-50, 60-60 सफ़े के, तंजीम की बुनियादी दावत को समझने के लिए वो 10 किताबचे इस वक्त यहाँ नहीं होंगे, लेकिन जिसका भी इरादा हो जाए कि समझनी है बात, अब जहाँ और जमातों को देखना है इसको भी देखना है, ये भी एक जमात है। मैं ये नहीं कहता यही एक जमात है, जो भी काफिले हैं देखिए, सबको देखिए, लेकिन अगर तंजीम को समझना है तो 10 किताबचे छोटे छोटे, अज़्म तंजीम, तंजीम इस्लामी का तारीखी पस मंज़र, तआरुफ़ तंजीम, निज़ामुल अमल, मेरा ज़ाती हिसाब किताब कि मैंने दुनिया में कितनी जायदाद बनाई है, कब शुरू किया था तो उसके बाद से मेरी रोटी कहाँ से चली है, अब क्या सूरत हाल है, एक एक पैसे का हिसाब दे दिया। वो मेरा हिसाब कमोबेश के नाम से वो पंफलेट मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो है जिन लोगों को अब सीरियसली बात को समझ में आ गई हो, समझ में आए कि ये मेरा फर्ज है, आई एम रिस्पॉन्सिबल,
مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام لازم ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے لازم ہے، مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ لازم ہے. یہ اگر ہوتا، اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے، جو تلاش کرے گا وہ پائے گا، جو اندہ یا بندہ. باقی میرا ایک ماضی بھی ہے، وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں 10 برس تحریک کے ساتھ، جماعت میں 3 برس اور 7 برس جمعیت طلبہ میں. جمعیت طلبہ میں ناظم اعلیٰ بھی رہا ہوں آل پاکستان، جبکہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھے. اور جماعت اسلامی میں میں ایک ضلعی تنظیم کا امیر رہا ہوں، ضلع منگمری کا. بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ میرا ماضی ہے، اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا، اس پر میری پوری کتاب موجود ہے. کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مولانا مودودی پر نہیں لگایا، لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے، ہماری یہ ساری ایکسرسائز فیوٹیلیٹی ہے، ہمیں انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیق مطالعہ جو میں نے 25 برس کی عمر میں لکھی تھی اور جماعت کا رکن تھا اس وقت تک، میں نکل کر نہیں لکھی ہے میں نے، وہ تو جس کو نوٹ آف ڈسنٹ ہوتا ہے، پارٹی ورکر ہے، ممبر ہے، اور وہ ڈسولیوژن ہو گیا کسی وجہ سے، اختلاف ہو گیا ہے تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے نا، وہ میں نے پیش کی تھی. وہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی اس سارے اختلاف کی، اور پھر بڑے بڑے لوگ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، عبدالغفار حسن صاحب، عبدالجبار غازی صاحب، عبدالرحیم اشرف صاحب، کراچی کے شیخ سلطان صاحب، شیخ جمیل الرحمان صاحب، اور بہت سے، مولانا افتخار بلخی صاحب، یہ سب لوگ جو جماعت سے علیحدہ ہوئے، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس پر بھی پھر میری ایک کتاب ہے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب. جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا ہو، کچھ شکوک و شبہات تو میرے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کر دیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے حجابات سے قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا، سٹڈی کریں، معلوم کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. تیسرا کام جو الحمدللہ میں اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر مانتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اسے کسی درجے میں بھی کوئی خود ستائی نہ سمجھیے، بلکہ آج ہی جو آپ نے آیت پڑھی ہے فاما بنعمت ربک فحدث، جو بھی نعمتیں ہوئی ہوں ان کا تذکرہ کیا کرو. الحمدللہ کے منہج انقلاب نبوی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے، اور اس سے ہم نے ایک پروسیس اخذ کیا ہے. ہم، میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں نہ آئے پھینک دیئے اٹھا کر، کسی جگہ پر اختلاف ہو تو مجھ سے کیجئے بات. منہج انقلاب نبوی کتاب بھی ہے، کیسٹس بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں. چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی، 1991 میں میں نے یہی کراچی سے شروع کی، پھر اس کے بعد یہی کراچی میں خالق دینا ہال میں میں نے 4 دن لیکچر دیے خلافت کے موضوع پر. اور اس کے بعد اگرچہ پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی موومنٹ چلایا جائے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ضرور دستخط کر دیتے ہیں، فارم پر کر دیتے ہیں، 2000 کا جلسہ ہے، 200 فارم ہمیں مل گئے، لیکن اس کے بعد ان کو ڈھونڈیے تو ملیں گے نہیں. لہٰذا وہ ہم نے صرف یہ رکھا ہے، محدود کر دیا ہے کہ جو بیعت نہ کرنا چاہیں ابھی اور تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہیں تو وہ معاون تحریک خلافت ہو جائیں. اور ایک ہم نے تحریک خلافت ایک بنائی ہے رجسٹرڈ باڈی، تاکہ خلافت سے متعلق جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کو پہنچایا جائے، ماڈرن حالات میں ماڈرن سٹیٹ ہو، خلافت ہو، خلافت اصولی طور پر کیا تھی اور خلافت حضور کے دور میں کیا تھی اور خلافت اب کیا ہوگی، اس کو سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ. اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے تعاون چاہیے، وہ کتابیں پھیلیں چھپیں. اس حوالے سے یہ 4 شق ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. تھوڑی سی بات اور کر دوں، میرا تعلق کن سے ہے. دعوت رجول قرآن میں میں نے اپنے فکر کی، اپنی سوچ کے 4 سورسز معین کیے ہیں. اولین فکر جو ہے، میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے، وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے، اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے، ان کا فلسافیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریکی فکر، تحریک. اقبال مفکر تھے، وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے، اگرچہ ابھی معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی نے انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری سٹیجز میں 1935-36 میں بیعت کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے، اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا. وہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب، اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا، علامہ اقبال کی آخری خواہش. اس میں خط و کتابت ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ریکارڈ میں موجود ہیں.
लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये काम शुरू कर नहीं सके। ये काम मौलाना मौदूदी ने शुरू किया, तहरीक उठाई, जमात बनाई। लेकिन मौलाना मौदूदी से पहले मेरे नज़दीक अबुल कलाम भी थे, उन्होंने हिजबुल्लाह बनाई थी 1913 में और वो बैत की बुनियाद पर थी। इस हवाले से ये मेरा एक पस मंज़र है। और तीन एतबारात से फिर मैं अपना रिश्ता जोड़ता हूँ शेखुल हिंद से, वो नोट कर लीजिए अच्छी तरह। एक तो ये कि शेखुल हिंद का जो तर्जुमा, उस पर जो तफसीरी हवाशी लिखे शबीर अहमद उस्मानी साहब ने, ये मेरे लिए कुरान फहमी का बहुत बड़ा सोर्स है। तफहीमुल कुरान भी, तदब्बुर कुरान भी, लेकिन तफहीमुल कुरान में भी एक चीज़ जो है वो तिशना है, उसमें दीन में तसव्वुफ की जो चाशनी है, बातवी कैफियात, वो उसमें नहीं आ रही है। तहरीकी है, ज़बरदस्त तहरीकी अंदाज है, तहरीक मैं वहाँ से लेता हूँ। लेकिन एक असलाफ के साथ जुड़ना और एक ये कि दीन का ये बातनी रूहानी जो इस पहलू है, ये मैं इन शेखैन से लेता हूँ, शेखुल इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी और उनके उस्ताद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन। फिर अबुल कलाम को शेखुल हिंद ने तजवीज़ किया था 1920 में कि इसके हाथ पर बैत करो और इसे इमामुल हिंद मानो। और मौलाना मौदूदी भी अल जमीयत के अंदर उन्होंने अपनी सहाफत का आगाज़ किया था उसी वक्त, जिस ज़माने में कि शेखुल हिंद उसके सदर थे। ये सारे हकाय जो इस वक्त बिल्कुल निगाहों से छुपे हुए हैं, ये मेरी एक किताब है जमात शेखुल हिंद और तंजीम इस्लामी, उसमें तफसील के साथ मौजूद है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको भी इन 25-26 दिनों के अंदर कोई भी ताल्लुक खातिर कायम हुआ हो, जो सीरियसली सोचने को तैयार हो, वो इन चीज़ों का मुताला करें। अब आखिरी बात है, मन अंसारी इल्लाह, कौन है मेरा मददगार अल्लाह की राह में, उस मदद की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये जो मेरे फिक्र से मुत्तफिक हो गए, जो तरीक़ेकार उनके सामने आया है उसको उन्होंने मान लिया, अगर वो मुझसे वाकिफ़ भी हैं, वो मुझ पर एतबार भी कर सकते हैं, तो ताखीर न करें और बैत करें और तंजीम इस्लामी में शामिल हो जाए। उस बैत की वजाहत मैं अभी उस हदीस की रूह से करूँगा बाद में। ये नहीं, अगर इससे कमतर अभी आप चाहते हैं कि कोई निस्बतन कमतर मामला रहे अभी बैत के मामले में, इतना इकदाम जो है फौरी तौर पर ना हो, तो यहाँ की अंजुमन खुदामुल कुरान है उसके मेंबर बनिए। वन ईयर कोर्स शुरू हो रहा है उसमें वक्त निकालिए। आपने जो है मुख्तलिफ प्रोफेशनल तालीम के ऊपर कितने कितने साल लगाए हैं, कोई एमएस करके आता है अमेरिका से कितने साल लगाए होते हैं, क्या एक साल भी नहीं निकाल सकते जिंदगी का। अल्लाह पूछेगा तुम सब कुछ पढ़ लिया तुमने, तुमने अंग्रेजी पढ़ ली, तुमने इतनी पढ़ ली अंग्रेजी कि अंग्रेजों को पढ़ा दो, और अरबी इतनी भी ना सीखी कि तुम मेरी किताब को बराह रास्त समझ सकते। हमने उनके लिए वन ईयर कोर्स शुरू किया है कि जो लिखे पढ़े जाहिल हैं, इस एतबार से कि एक तरफ PhD है, डॉक्टरेट की हुई है, दूसरी तरफ अलिफ बे ते कुरान की मालूम है। नंबर तीन, तहरीक खिलाफत जो है उसकी दो शक्लें हैं। मुआविन तहरीक खिलाफत वो तंजीम इस्लामी के ताबे होगा, तंजीम इस्लामी के साथ होगा लेकिन बैत किए हुए नहीं होगा, जो बैत करता है वो रफीक कहलाता है तंजीम इस्लामी का। और दूसरा ये कि हमने एक ऐसी जमात बनाई है जिसमें कि इस लिटरेचर को फैलाने के लिए हमें वसाइल चाहिए, उसकी मेंबरशिप है, जो शख्स भी साहिब इस्तेआत है 500 रुपये माहाना अगर वो तहरीक खिलाफत को दे सकता है तो वो उसका रुकन बनेगा, वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है, उसके सारे हिसाब किताब जैसे अंजुमनों के होते इस तरीके से हैं। ये चार शक्लें हैं कि जिसमें आप मेरे साथ तआवुन कर सकते हैं, शरीक हो सकते हैं, दर्जेवार मैंने वो सारी बातें आपके सामने रख दी। अब आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि जो बैत होती है हमारी, उसके तीन जुज़ हैं। पहला जुज़ वो है कि जो हर शख्स करता ही है मुसलमान, सिर्फ बैत के वक्त उसे शौरी तौर पर ताज़े करना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी पर तो हमारी दीन की बुनियाद कायम है। लेकिन ताज़ा करना कि आज मैं फिर शऊरी तौर पर गवाही दे रहा हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल। नंबर दो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों का, अल्लाह अब तक जो कुछ हुआ माफ़ फरमा दे। और नंबर तीन, व अतूब इलैहि तौबतन नसूहा, और परवरदिगार मैं तेरी जनाब में तौबा करता हूँ खुलूस से दिल के साथ। या अय्युहल लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। पहला हिस्सा ये है,
दूसरा हिस्सा इन्नी उआहिदुल्लाह, मैं अल्लाह से अहद करता हूँ। ये अल्लाह से अहद है, बैअ व शरा अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नत, जन्नत उसके पास है, वो आपको देगा, आपसे वो जान और माल मांग रहा है। वो बैअ क्या है? इन्नी उआहिदुल्लाह, मैं अल्लाह से अहद करता हूँ। अन अहजुरा कुल्लमा यकरहुहू, हर उस चीज़ को छोड़ दूंगा जो उसे पसंद नहीं है। वह उजाहिद फी सबीले ही जोहदा इस्तेताती, और अपने मकदूर भर उसके राह में जिहाद करूंगा। इसके मानी क्या है? उन फिका माली व अब्दुल्ला नफसी, अपना माल भी खर्च करूंगा, जान भी, वक्त भी सर्फ करूंगा। ले इकामत दीन ही व एलाए कलेमत ही, उसके दीन को कायम करने के लिए और उसके कलमे की सरबुलंदी के लिए। अब तीसरा हिस्सा आया, वाले अजले जालिक, इस मकसद के लिए उबायुका, मैं आपसे बैत करता हूँ। यहां से अब वो हदीस शुरू हो रही है, उबायो का अला समय व ताते, लेकिन ये कि इसमें एक लफ्ज़ का इजाफा किया, फिल मारूफ, आपका हर हुक्म सुनूंगा और मानूंगा, बशर्ते के शरीयत के खिलाफ ना हो, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ शरिया। हुजूर से जो बैत की थी उसमें ये अल्फाज नहीं थे, समय व ता, इसलिए कि हुजूर गलत हुक्म दे नहीं सकते, मासूम थे, जो हुक्म देंगे मानेंगे। बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय व ताअ, बस हमने उसमें इजाफा किया, अला समय व ताअत फिल मारूफ, शरीयत के दायरे के अंदर अंदर, फिल उसर वल यूसर, अगर ये शरीयत के दायरे के अंदर है तो चाहे मुश्किल है और चाहे आसान मानेंगे। वल मनशत वल मकर है, चाहे हमारी तबीयत आमादा हो और चाहे हमें अपनी तबीयतों पर जबर करना पड़े, मानेंगे। वाला असरतिन अलैना, और चाहे हम पर आप दूसरों को तरजीह दे दें, हम ये नहीं कहेंगे कि हम पुराने साथी हैं, आपने नौ वारिद को अमीर बना दिया, नहीं, इट्स योर प्रेरोगेटिव, ये आपका इख्तियार है, जिसको चाहे आप बनाएं, हम पर किसी को तरजीह दे दें। देखिए किस तरह बारीक बीनी से जमाती जिंदगी में फितने उठने के दरवाजे जो है सब एक एक करके हुजूर ने बंद किए। वाला अल्लाह नुनाज़िल अमरा लहू, और जिन्हें आप अमीर बना देंगे उनसे झगड़ेंगे नहीं, उनसे भी तआवुन करेंगे, उनकी इताअत करेंगे। हुज़ूर ने फरमाया, मन अतानी फ़कत अता अल्लाह व मन असानी फ़कत असल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। व मन अता अमीरी फ़कत अतानी व मन असा अमीरी फ़कत असानी, जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरे मुअय्यन करदा अमीर की मुखालफत की या उसकी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। और आखिरी बात, वाला अन्नकूल अबिल हक एनमा कुन्ना ला नखाफ फिल्लाह नौमत लाइन, हम जहाँ कहीं भी होंगे हक बात ज़रूर कहेंगे, मशवरा देंगे, सही देंगे, हम अपनी बात जो है विधहोल्ड नहीं करेंगे, अपने ओपिनियंस को रोकेंगे नहीं, हक बात कहेंगे, अपनी बात कहकर फिर हम फारिग होंगे, उसके बाद यह कि जो फैसला अमीर का होगा उसके मुताबिक इताअत होगी। ये बैत है, और अब आखिर में मैंने जो आयतें शुरू में पढ़ी थी, दरमियानी आयत का तर्जुमा तो मैंने कर दिया था, उससे पहले की दो आयतें और उसके बाद की दो आयतों का तर्जुमा और सुन लीजिए। ये पुकार जो आज आपके सामने आई है उसके इस हवाले से सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अहले ईमान लब्बैक कहो अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर जबकि वो तुम्हें पुकारें जिस चीज़ के तुम्हें जिंदगी मिलेगी। बज़ाहिर मौत नजर आती है ग़ज़वा बदर से पहले, लेकिन इससे जिंदगी मिल रही है। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्ए व कल्बिही, और अगर हक के वाज़े हो जाने के बाद इंसान उसे कबूल न करे तो एक वक्त आता है अल्लाह हाइल हो जाता है बंदे के उसके दिल के दरमियान, वअन्नहु इलैहि तुहशरून, और फिर उसी की तरफ तुम जमा कर दिए जाओगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, और डरो उस अज़ाब से, उस फितने से, जब आएगा तो सिर्फ गुनाहगारों को लपेट में नहीं लेगा, गंदुम के साथ भुस नहीं पिसेगा, गुल भी पिसेगा। वालमु अन्नल्लाह शदीदुल अक़ाब, और जान लो अल्लाह सजा देने में बहुत सख्त है। फिर वो आयत आई थी, वज़्कुरु, ज़रा याद करो, इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़फ़ून फ़िल अर्ध तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़अवाकुम वअय्यदकुम बिनसरिही वरज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात लअल्लकुम तश्कुरून। और इसके बाद की दो आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत मत करो, जो वादा किया है समयना व ताला उसको पूरा करो। व तखूनू अमानातकुम, अपनी अमानतों के अंदर भी खयानत न करो। और जान लीजिए हमारे पास ये पाकिस्तान सल्तनत खुदादाद सबसे बड़ी अमानत है इस वक्त। वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो तुम्हें यही डर है, औलाद और माल
सिर्फ यही रोकते हैं, यही बेड़ियां पड़ी हैं। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो कि तुम्हारे अम्वाल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। वअन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, और यकीनन अल्लाह ही के पास अजर अज़ीम है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र।